प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत के दो बहादुर, सशक्त और शिक्षित बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाजिया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और दमदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। करेक्ट ना करके उनके अंदर अच्छी चीजें ना उनको मतलब बोला जाए कि ये अच्छा है, ये करो, इससे तुम्हारी बेटी को सुरक्षा होगा, ये सब ना कर करके मुसलमानों को एहसास दिलाना चाहिए और केंद्र की सरकार से, संसद के पटल से इस्लामिक पनिशमेंट लागू होना चाहिए। आधा अधूरा इस्लाम क्यों मानेंगे ये लोग, पूरा मानते हैं ना। मैं तो चाहती हूँ कि मुसलमानों को ना शरिया से दूर किया जाए, मुसलमानों को ना इस्लाम से दूर किया जाए, और कोई कर भी नहीं रहा है। लेकिन शरिया कानून नहीं चलना चाहिए, कि मैं और आप समझते हैं कि पैरेलल कानून क्यों चलेगा। लेकिन जब अब इस देश के 20-22 करोड़ एक बात बोलती हूँ ना, तो मुसलमानों को बहुत बुरा लगता है कि बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। और इसमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि मुसलमान सच सुनना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन ये चरित्र जो है ना, ये बिल्कुल दिखाई दे देता है। नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ नाजिया मौजूद है। नाजिया नमस्कार, जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम और भारत माता की जय, वंदे मातरम। नाजिया, हिमाचल से एक खबर आ रही है जहाँ पर सुक्खू सरकार ने बच्चियों की जो समान शादी की उम्र है उसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया है, जो कि 2021 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने भी जो बाल विवाह विधेयक था उसमें संशोधन किया था। सवाल ये है कि केंद्र सरकार अगर इस तरह का कदम उठाती है तो कांग्रेस पूरी तरह से विरोध करती है। असम में भी जब हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार बच्चियों की बाल विवाह से रिलेटेड जितने भी उन्होंने कई सालों से काफी काम करे, उसको भी जी तोड़ वहां पर भी विरोध चल रहा है। तो अपने प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पूरे देश में बाकी प्रदेशों में विरोध, किस तरह से देख रहे हैं इस दोहरी नीति को? हम करें तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर लीला, इसी तरीके से देख रही हूँ। अमर पता है, इनके चरित्र को दिखाते दिखाते ना, अब मैं बुढ़ी होने पर आ गई। अब तो मतलब कई ऐसे 50-55 साल के लोग हैं जो मुझे आंटी बोल करके पुकारते हैं, 50-55 के उम्र के लोग। तो मैं उसको बहुत एंजॉय भी करती हूँ, बहुत अच्छा भी लगता है। आप सोचिए कि हिमाचल में सरकार किसकी है अंबर, है ना, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तो ये क्योंकि आराम से शरिया से छेड़छाड़ कर सकते हैं और ये आराम से इस्लाम के खिलाफ जाकर के अपना कोई भी बिल पास कर सकते हैं, और इस पर कोई मुल्ला मौलवी कुछ भी नहीं बोल सकता है, कुछ भी नहीं बोलेगा। जब भी मैं एक बात बोलती हूँ ना, तो मुसलमानों को बहुत बुरा लगता है कि बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। और इसमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि मुसलमान सच सुनना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन ये चरित्र जो है ना, ये बिल्कुल दिखाई दे देता है, एकदम आराम से दिखाई देता है। अब देखिए, इसमें मैं कुछ मिसालें आपको देती हूँ। मुसलमान पुरुष जब रेप करते हैं, कोई सरतन से जुदा का नारा नहीं होता है, कोई फतवा जारी नहीं होता है, कोई उसको इस्लाम से बॉयकॉट नहीं किया जाता है। मुसलमान पुरुष जब मोलेस्टेशन करते हैं, कोई फतवा जारी नहीं होता है, कोई सरतन से जुदा का नारा नहीं होता, किसी भी तरीके से उनको इस्लाम से बॉयकॉट नहीं किया जाता है। वो किसी स्कैम या घोटाले में जब पाए जाते हैं एज एन एक्यूज, तब भी सारे मुसलमान अपने मुंह में लेमन चूस ले लेते हैं। वो बोलते हैं अभी तो हम बिजी है, अभी लेमन चूस चूस रहे हैं, अभी अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन करा लो भाई, अपनी बेटियों को सुरक्षित कर लो भाई, 3 सेकंड में 3 तलाक दे करके आपकी बेटियों को कोई बेआबरू ना करे, कोई उसकी तकदीर ना फोड़े, तो हेमंत बिस्वा शर्मा वो खराब हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जब बोलते हैं
कि भाई लड़कियों की उम्र जब तक आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड वाली ना हो जाए तब तक उनकी शादी निकाह ठीक नहीं होता है, और इमाम क्यों करवाएगा भाई, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो करवाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी तो ऐसे ही बेचारे बदनाम है, उन्होंने कुछ किया भी नहीं है लेकिन बदनाम है। तो बात यहाँ पर है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में जो भी नेता अच्छी बातें भी बोलेगा तो मुसलमान उसका विरोध करेगा, और राहुल गांधी जी अगर इस्लाम में अभय मुद्रा भी ढूंढेंगे और मस्जिद में सारे जेंडर्स को भेज देंगे, सारे धर्मों को भेज देंगे, तो भी कोई मुसलमान कुछ नहीं बोलेगा। मैंने बहुत खूबसूरती से पूछा था कि इस्लाम में अभय मुद्रा कहाँ पर होता है राहुल गांधी जी, आप जरा बता दीजिए। तो राहुल गांधी जी ने क्या किया, तेलंगाना और केरला में मेरे नाम का प्रदर्शन करवा दिया, बड़ा बड़ा बोनर और बैनर और पोस्टर लेकर के मुल्ला मौलवी उतर गए जमाते रसूल वाले कि इसका सर तन से जुदा होगा। भैया मैंने पूछा ही क्या, मैं तो आपसे यही पूछ रही हूँ कि शायद मेरे इस्लामिक तालीमात में कोई कमी रह गई होगी, आप मुझे बता दीजिए ना कि इस्लाम में अभय मुद्रा कहां पर होता है। पर उनके उस स्टेटमेंट पर अंबर एक भी मुसलमान ने उनसे क्वेश्चन किया, एक भी मुसलमान ने उनसे सवाल पूछा, एक भी मुसलमान ने इस भारत के रोड पर आकर के पूछा कि आप कैसे हमारे इस्लाम के खिलाफ जाकर के अभय मुद्रा ढूंढ रहे हैं। तो उसी तरीके से ये जो गिरगिट वाला जो राजनीति है, ये जो सेलेक्टिव राजनीति है, ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कांग्रेस की है वैसे ही मुसलमानों की है। अब हिमाचल पर छाती नहीं पीटेगा रशीदी, हिमाचल पर छाती नहीं पीटेगा मदनी, हिमाचल पर छाती नहीं पीटेगा अजहरी, हिमाचल पर छाती नहीं पीटेगा रंगरेस नौ क्लास पास, ये लोग हिमाचल पर छाती नहीं पीटेंगे, बिल्कुल नहीं पीटेंगे। लेकिन जैसे ही कोई भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मुख्यमंत्री इस बारे में बात करेगा, बस देखिए कैसे विधवा रोना स्टार्ट होगा, अरे बाप रे बाप, ये पूरा टिश्यू पेपर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल यही उठकर खड़ा हो रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई बयान नहीं आया और किसी भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का कोई रिएक्शन नहीं हिमाचल में, क्योंकि मुसलमान उतनी बड़ी संख्या में नहीं है, मुसलमान वोट बैंक भी इफेक्ट नहीं हो रही, तो कांग्रेस ने भी बड़ी आसानी से कर लिया और मुसलमानों को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि अगर केंद्र सरकार करती है, क्योंकि अगर शादी की समान उम्र हो जाती तो ये भी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक कदम है। हम लोग कुछ दिन पहले जब आसाम को लेकर बहस कर रहे थे तो तब कह रहे थे कि कैसे शरीयत में मुदाखलत होगी, आज शरीयत में मुदाखलत कर दी कांग्रेस ने और सब जगह एकदम सूना पड़ा हुआ है। इस डुअल स्टैंडर्ड को अब कांग्रेस का तो है ही, लेकिन ये मुसलमान समाज का भी डुअल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है, एक तरफ आप विरोध कर रहे हैं दूसरी तरफ आप ठंडे पड़े हुए हैं। अंबर मैंने दिल्ली में कावड़ यात्रा को लेकर के अपने स्टेटमेंट को दिया था और उसका FIR जो है वो बंगाल में हो रहा है। बैंगलोर का एक लड़का है जो ममता बनर्जी को बोल रहा है कि आप मुसलमानों से मोहब्बत करती हैं तो नाजिया इलाही खान का सरतन से जुदा कीजिए और नाजिया इलाही खान को या तो उम्र कैद करवा दीजिए। दिल्ली 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 में मैंने बयान दिया है और FIR जो है वो मुसलमान अपने अपना पूरा दल बल निकाल करके वो मेरे खिलाफ में सरतन से जुदा का नारा बंगाल में लगा रहे हैं और बंगाल अभी जल रहा है किसके लिए, एक डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए। लेकिन बंगाल की पुलिस बहुत बिजी है गुस्ताखे रसूल को पकड़ने के लिए, और जो कि हुआ भी नहीं लेकिन फिर भी वो पकड़ने के लिए बहुत बहुत परेशान है। नाजिया आजा, तूने मोहम्मद बोला कैसे, अरे भैया हजारों मोहम्मद नाम के बलात्कारी जेल में हैं। तो आप देखो कि हिमाचल में भले ही इस्लाम के साथ छेड़छाड़ हो गई है लेकिन क्योंकि वहां पर तो राहुल बब्बा है ना, इसलिए मुसलमान तो नहीं कुछ बोलेंगे ना, राहुल बब्बा जी को बोल देंगे तो फिर बाबर के कब्रिस्तान में फूल कैसे चढ़ाएगा, अजमेर शरीफ जाकर के दुआ कैसे मांगेगा, अजमेर शरीफ के चिश्तिया बलात्कारियों को फिर बचाएगा कौन, राहुल बब्बा को तो नहीं बोलना है कुछ। राहुल बब्बा इस्लाम में अभय मुद्रा ढूंढ ले, राहुल बब्बा जो है वो सारे लोगों को मस्जिद भेज दे, महिलाओं को भी मस्जिद भेज दे अपनी शब्दावली से, राहुल बब्बा कुछ भी कर दे, उस पर कुछ नहीं बोलना। लेकिन जैसे ही मैं या आप कोई संवैधानिक महिला, कोई इस राष्ट्र से मोहब्बत करने वाली महिला या भारतीय जनता पार्टी अच्छा भी बोलेगा तो वो भी बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा
और हमेशा की तरह नाजिया राय खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने कैसे कांग्रेस और राहुल बाबा को एक्सपोज किया, जो वैसे तो मुसलमानों के पक्षधार बनते हैं और यूसीसी का खुलेआम विरोध करते हैं, पर खुद हिमाचल में उनकी सरकार होते हुए उन्होंने यूसीसी का एक फैसला लागू कर दिया है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।